भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, भस्त्रिका से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और भस्त्रिका हमें कहाँ पे लाभ करता है और किस तरह से लाभ करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, हानिकारक चीज़ें बता देते हैं, जिनको भी बीपी, शुगर या मिर्गी या ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन या कोई भी इंजरी हुआ हो, कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, वह व्यक्ति इसे बहुत ही धीमे गति से करें या किसी योगाचार्य से या किसी भी योगा वैद्य से या जो भी योगा ट्रेनर हैं उनसे आप सलाह लेकर, उनसे या जानकारी लेकर ही भस्त्रिका प्राणायाम करें या कोई भी प्राणायाम करें या कोई भी आसन करें, जो कुछ भी आसन करना हो या जो कुछ भी प्राणायाम करना हो, बिना गाइडेंस के, बिना सलाह लिए आप इसे करते ही ना करें, जिससे कि इससे आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सांसों को बाहर छोड़ते हैं, उससे लाभ हम बता दें आपको। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में, हम हर रोज 300 से 400 कैलोरीज ऑक्सीजन लेते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम जब हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में लगभग 1000 से लेकर 3000 और 5000 तक हमारे ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बन जाती है, जो कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन से होने वाली समस्याएं, जितनी भी ऑक्सीजन से होने वाली फायदे, हमें बहुत ही लाभ मिलता है। हमारे शरीर में एक ऊर्जावान, उत्तेजित और उत्साह महसूस होता है, जो कि भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको किसी भी समतल जगह पर, स्वस्थ जगह पर, साफ जगह पर, वहाँ पर बैठ जाएँ। वहाँ पर बैठने के बाद आप समतल एक सीधे सीधे कमर को सीधा करते हुए, पैरों को सुखासन में मोड़ते हुए और सुखा पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। आपको जिस भी आसन में आपको सुखी महसूस होता हो, आरामदायक महसूस होता हो, उस आसन में बैठ करके आपको, मतलब जितनी गहरी सांस भर सकते हैं, नाकों से जितनी गहरी सांस भर सकते हैं, कुछ समय रोकने के बाद, फेफड़ों में या पेट में या गले में कहीं पे भी रोकने के बाद, कुछ समय रोकने के बाद फिर उसे ही हम धीमी गति से नाकों से बाहर छोड़ेंगे, तेज से लेंगे। कुछ समय रोकने के बाद फिर उसे हम बाहर छोड़ते हैं। हमारे शरीर में जो नसें बंद हो जाती हैं, जो नसें बंद होने के कगार पर होती हैं, जो नसें जकड़ जाती हैं, जो अंग जो स्थिर हो जाता है, जो कि सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देता है, वह नसों हवा के माध्यम से, हवा के प्रवेश के माध्यम से, हवा के जाने के माध्यम से वह साफ हो जाती है, वह खुल जाती है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ता है, हमारे शरीर में जो कुछ भी ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, उसे पूर्ति हो जाती है, और जो भी बेकार ऑक्सीजन, खराब हवा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह उस हवा के साथ बाहर आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे करना चाहिए। आइए एक बार और हम इसे अभ्यास करते हैं और जानते हैं। सांसों को पहले हम भरेंगे, नाक से सीधा बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठने के बाद हम सांसों को भरेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे रोकने के बाद ऐसे आधे से एक मिनट, जितनी भी समय, जितने आप स्वच्छता अनुसार आप रोक सकते हैं इन सांसों को, उस तरह से रोकने के बाद हम फिर वापस छोड़ देते हैं, उन सांसों को बाहर निकाल देते हैं, नाक के माध्यम से, ना ही कि मुंह के माध्यम से, हमें नाक के माध्यम से ही बाहर आना चाहिए, वो सांस जितने हिसाब से जाना चाहिए उसके, सब समझिए कि अगर 10 के स्पीड में जा रहा है तो वह वापस सांस 8 के स्पीड में बाहर आना चाहिए। इस हिसाब से हमें बहुत ही लाभ मिलता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो कि हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाता है, और तमाम तरह से लाभ होते हैं। और इसे बिल्कुल अपने मन से न करें। अगर आपको किसी तरह की ऑपरेशन हुआ हो, किसी तरह का दिक्कत परेशानी हो, किसी तरह की बीमारी हो, या बिना किसी सलाह, किसी योगा ट्रेनर से या कोई टीचर से बिना सलाह लिए इसे करते ही ना करें, जिससे कि आपको हानिकारक लाभ नुकसान हो सकता है, लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योगा को करें, इस भस्त्रिका प्राणायाम को करें और लाभ उठाएं।